वनिता राज बोलती, योगराज जी बोलेंगे यस सर, यस सर, यस सर। क्यों? क्योंकि उसको पता चला, योगराज जी ने बोला मेरे को पाल सर जो बोलते हैं ना, पाल सर, मैं उसको बोलता हूं यस सर, यस सर, यस सर। कौन बोलते हैं योगराज जी को? पाल जी। पाल जी जो बोलते हैं योगराज जी उसको यस सर करते हैं। तो वनिता ने उनको सिखाना नहीं पड़ा, उसको क्या बोला उसने, कहते मैं भी करूंगी, मैं भी। तो उन्होंने योगराज जी को यस सर करना शुरू कर दिया। वनिता नहीं, सॉरी तनुराज जी ने, तनुराज जी ने पूछा, इन्होंने बताया, तनुराज जी इसको पूछा वनिता राज ने, वनिता राज ने क्या क्या सीखा मां से, यस सर। आज उसकी टीम में क्या हो रहा है, यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम, वाई। क्योंकि यस सर, यस सर, यस सर हो रहा है ऊपर, वो देख रही है, एक आवाज मारो, योगराज जी बोलते टाइम नहीं, एक मिनट की फुर्सत नहीं है, एक मिनट की फुर्सत नहीं है। आपको मुझे पता है, मुकेश शर्मा जी हमारे और प्रिया जी ने पूरा एरिया चोटी का जोर लगा दिया था कि हमको 8 तारीख को प्रोग्राम करना है, योगराज सर आपको तो आना है। योगराज जी तस से मस ने, ठीक है जी, हमने डिसाइड कर दिया 15 तारीख को प्रोग्राम करेंगे। और फिर प्रिया जी, शायद मेरी इनसे बात हुई, कुछ ऐसी बात हुई, मैं कहा हाँ मुकेश जी से, मगर टेंशन मत, बात करता हूं मैं, करना है, मैंने फोन मारा। फिर क्या बोलते, फिर क्या करना सर, मैं कहा आना है, यस सर, यस सर। क्या बोला, यस सर, गवाह है, खुदा गवाह बोलते ना, दोनों गवाह है। व्हाई? बिकॉज पहले नीचे से आवाज आ रही थी, नीचे से बड़ी आवाज आती है, ठीक है, नीचे से कितनी आवाज आती है, आप सब मेरे को कुछ ना कुछ बोलोगे, अगर मैं सबकी सुन लिया ना तो मेरा क्या होगा, रे समझ गए ना, मेरा वही होगा, फिर मंदिर में खुदा होगा। तो नीचे वाले जो मर्जी बोले, सुनना किसका है, किसका, एक तो उसका जो सबका ही है, ये उसका ही है खेल जो यहां बैठे हुए हम लोग, उसका। और फिर उसके बाद जो इस बिजनेस में हमारा खुद तो आएंगे नहीं, उन्होंने किसी को भेजा है, जो हमारे एलओएस है, अपलाइंस, इनका सुनना है। और पॉजिटिविटी फुल। तो दोस्तों, यस सर, यस मैडम, यस सर, यस मैडम, ये इन्होंने सीखा और सिखाया, और आज देखो चमत्कार है। पूर्वा बोगड़ा गुजरात में देख रहे हो आप तमाशा, क्या है, यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम। अभी उनकी टीम से 15 लोग जा रहे हैं गोवा, 15 लोग, सोचिए, दैट इज द लीडरशिप। हमें तो पता भी नहीं है, मुझे नहीं पता था, मैं जब गुजरात में गया तो हम 15 लोग जा रहे हैं गोवा, दैट इज द लीडरशिप। वो अपने दम पे अपना दिमाग लगा के खुद आगे ले जा रही है टीम को, ये नहीं मेरा अपना कुछ बोलेगा बताएगा तब मैं करूंगा, दिस इज योर बिजनेस, आपकी जिंदगी, आप, आपके बीबी और बच्चे आपके हैं, किसके हैं, हमारे हैं। हमें सोचना पड़ेगा अपने बीबी के लिए, अपने बच्चे के लिए, और यकीन करना, मेल के लिए और फीमेल के लिए हमारा बिजनेस कपल बिजनेस है, हमारा बिजनेस कपल बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, हमने परिवार के साथ काम करना है, दोनों हस्बैंड और वाइफ को इन्वॉल्व कीजिए। और ये अनफॉर्चुनेटली होता है कई बार, हस्बैंड नेगेटिव या वाइफ नेगेटिव, है ना, कुछ ना कुछ चलता है ना, द्वंद, लफड़ा कुछ और होता है, गाय का दोष कभी कभी बछड़े में निकलता, ऐसा होता ना, मतभेद तो कुछ और होते हैं, आगे बीच में त्यास, अब तो त्यास के लिए मतभेद हो गए, नहीं हमारी तो बनती नहीं है, अरे किसी और चीज के लिए ना बनती है, इसके लिए बना लो सब बन जाएगी, राइट। तो फाइनली आपको मेरा जो मैसेज था वो यही है कि हम सब लोग अपने फ्यूचर को लेकर, अपने परिवार के फ्यूचर को लेकर हमें मेहनत करनी है। जैसे आप नौकरी में 8 घंटे ड्यूटी करते हो, कितने पैसे मिलते हैं, इतनी मेहनत अगर आपने इस बिजनेस को दे दी, आईटी नेट ध्यान सिस्टम को दे दी आपने, जितनी मेहनत आप नौकरी में करते हैं, मुझे नहीं पता दोस्तों आपकी इनकम क्या है, वट एवर योर इनकम, हूसोएवर, इस हॉल में बैठे हुए लगभग 100 लोग हैं आप, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ, अगर आपने मेरे से साइन कराने हैं ना, मैं साइन भी कर सकता हूं, ब्लैंक साइन जिसको बोलते हैं, अगर आपने उतनी मेहनत हमारे साथ कर ली ना, आपकी इनकम अगर 10 गुना नहीं हुई ना, तो आप मैं कुछ भी बोल सकते हैं।
जो भी बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, जितनी मेहनत उतनी ही मेहनत यहां करनी है। दिक्कत क्या होती है, इस बिजनेस में आते ही ना हम चौधरी बन जाते हैं, धन्ना सेठ, जो दो चार को जोड़ दिया, हां जी प्लान दिखाने जाओ, मीटिंग करने जाओ, सब बताते हैं, डेमो दो, प्लान दो, क्लोजिंग करो। वो बोलता है मेरे पापा कहां हैं, है ना भाई। आदमी पैदा हो गया, जुड़ गया, उसके बाद क्या होता है ना, उसको पता तो होता नहीं करना क्या है, कैसे करना है, आता है नहीं, तो उसको लगता है यार मेरे मैं तो वो हो गया हूं, क्या बोलते हैं, है ना, अनाथ हो गया हूं, मैं तो कोई है ही नहीं, क्या करूं, कैसे करूं। तो दोस्तों, जब तक आपने जिनको जोड़ा है उनके नीचे ए के नीचे टीम खड़ी ना हो, बी के नीचे टीम खड़ी ना हो, सी के नीचे टीम खड़ी ना हो, डी के नीचे टीम खड़ी ना हो, तो आपने किसी को खड़ा नहीं किया है, आपने आपको भी खड़ा नहीं किया आपने। क्योंकि इस बिजनेस की ब्यूटी यही है, जब आप अपनी टीम को खड़ा करते हैं तो आप अपने आप ही खड़ा हो जाते हैं। तो आपका इस बिजनेस में उतने शिद्दत, उतनी मेहनत करनी है जितनी बाहर नौकरियों में करते हैं। और जो लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, पार्ट टाइम एक अलग चीज होती है, स्पेयर टाइम अलग होती है। स्पेयर टाइम का मतलब होता है मन कर लिया तो, नहीं तो कोई बात नहीं, जब मौका मिला कोई टाइम मिला, नहीं ये बिजनेस नहीं होगा जिंदगी में। आप पार्ट टाइम कर सकते हो, जैसे आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करते हो ना, शाम को 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद आदमी जाता है कि साइड में कोई और काम करता है, ट्यूशन पढ़ाता है या कहीं छोटी सी नौकरी करता है, ताकि उसको पता है कि 2 पैसे यहां से भी आएंगे ना तो मेरे घर में थोड़ा सा ठीक रहेगा प्रोग्राम, तो उसको भी आप कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट ऑक्यूपेशन। जो आप कर रहे हैं उसके साथ में इस बिजनेस को परस्यू करिए, ऐसे जैसे मैं कहता हूं कि एक हफ्ते में 30 घंटे बचते हैं हमारे पास में, अब महीने में कितने हो गए 4 हफ्ते 120 घंटे, और एक साल में कितने हो गए 1500 आवर्स के आसपास, 1500 घंटे हमें एक साल में मिलते हैं, जिसमें हम लोग साइड बाय साइड काम करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो यही मौका आपके पास है। और त्यांस क्यों, क्योंकि त्यांस के पास जो प्रोडक्ट है किसी और के पास नहीं, आप देख लीजिए जो मशीन है किसी के पास है, जो त्यांस के पास है, हमारा पर्सनल केयर का जो रेंज है किसी और कंपनी के पास है, जो क्वालिटी हमारे पास में है, और सप्लीमेंट की बात करूं कॉर्डिसेप्स किसी के पास है, जो हमारे पास है, चिटोसन, ओमेगा, मल्टीविटामिन्स, जिंक, सोचिए, और जो एफिकेसी है, जो उसका रिजल्ट है अमेजिंग, आज करोड़ों बहन बेटियों की जिंदगी नर्क से बाहर निकाली है त्यांस के प्रोडक्ट में। ऐसे ऐसे टेस्टिमनी हमारे पास में, यकीन नहीं होता है, ऐसे ऐसे टेस्टिमनी है, क्योंकि उन्होंने सिंसियरली ईमानदारी से प्रोडक्ट को यूज किया। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, आपने दिपेश चक्रवर्ती का नाम सुना होगा कलकत्ता से, उनकी जो उम्र है इसमें 72 साल है, 72, और हर साल एक साल की एवरेज इनकम बता रहा हूं मैं, लगभग 2 करोड़ रुपया एक साल की इनकम है। उन्होंने भी आपकी तरह शुरू किया था, हमारी टीम में आप जानते हैं 62 साल की उम्र है एनके दुधात्रा जी, 62 ईयर ओल्ड, ऑन एन एवरेज 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है हर साल। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको बोलते ना तो रिटायर टाइम है, अब तो खत्म है कहानी, गारंटी खत्म है, ऐसा बोलते हैं ना, आप देखो गारंटी दे रहा त्यांस का बिजनेस। उसके बाद ये बिजनेस किसको मिलेगा, उनके बच्चों को, ये पैसे किसको आएंगे, उनके बच्चों को, वाई नॉट। आज आप शेखर को देखिए, शेखर गोरा जी यंग लीडर, पूर्वा जी यंग है, अभी वनीता राज यंग है, ये वो लोग रिवोल्यूशनरी लीडर है जो आने वाले टाइम में बड़ी धमक मचाने वाले हैं ज्ञान इंटरनेशनल ज्ञान इंडिया के बिजनेस के अंदर। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा जो त्यांस आईटी नेट सिस्टम है इस टाइम कितना उस पर चल रहा है, टॉप गियर पे।